प्रियतम बाबा और उनके पूरे विश्व में फैले हुए तमाम बाबा प्रेमीगण, हम सब उन बाबा प्रेमियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने बाबा का दर्शन नहीं किया भौतिक शरीर का और बाबा के संपर्क में आए, वो हमारे लिए पूजनीय है। जब हम बाबा के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं तो प्रियतम को अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रेमियों को हम उनकी तरफ से नमस्कार करते हैं तो प्रियतम को अच्छा लगता है। हम एक मंगरपुर गांव जिला झांसी में पैदा हुए हैं, एक कुलीन परिवार में। और उसके पहले कि हम अपनी बायोग्राफी बताएं कि बाबा के कांटेक्ट में ऐसे आए, एक बैकग्राउंड है छोटा सा हमारी लाइफ का। हम 6 क्लास में पढ़ते थे और एक निवारी हमारे पास में जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया मध्य प्रदेश का, वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था। उसने जब स्कूल गए तो एक परिहार साहब करके माँ साहब थे, उन्होंने कहा कि आज हम तुम लोग को ध्रुव प्रहलाद की कहानी बताएंगे, और उन्होंने वो क्लास में ध्रुव प्रहलाद की कहानी बताई। उस कहानी से हम इतने प्रभावित हो गए कि जब अपने गांव आए तो एक लड़का था हमारे साथ, राजकुमार दुबे। हमने कहा राजकुमार जब ध्रुव और प्रहलाद भगवान को पा सकते तो अपन लोग क्यों नहीं। अरे बोले यही तुम्हें कहने आया था। और महीना था मई का, बुंदेलखंड की गर्मी, तो हमने कहा कि हम इतने अपने परिवार में ढंग से रखे जाते थे कि हम अकेले कहीं जा नहीं सकते थे बगैर किसी की परमिशन लिए, कोई स्वतंत्रता हमको नहीं थी बगैर पूछे। तो हमने कहा कि उन लोगों को चोरी से भागना पड़ेगा, बोले चलेगा। तो हम 3 लड़के, मैं और एक लल्लूलाल दुबे और एक राजकुमार दुबे और मैं, हम लोग गए। हमको बचपन से नंगे पैर चलने की आदत नहीं, तो पलाश के पत्ते हमारे पैरों में इन लोगों ने बांधे और हम बनियान अंडरवियर पहने। कहाँ चले तो बोले कि वो रेलवे लाइन निकली है वहां चले, जहां अपन स्कूल जाते हैं वहां जंगल पड़ता है वहां बैठेंगे और अपन लोग शंकर जी का भजन करेंगे, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक अपन लोग वहीं बैठे रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग तीनों लड़के गए। प्यास लगती थी तो एक कोई उसने झाड़ पेड़ का लंग कोई डंठल हमें दिया, बोले अगर प्यास लगे तो इसको चूस लेना, तो वो लोग हम लोग चूसते रहते। वो लड़का जो राजकुमार दुबे था वो हमको गाइड कर रहा था कि ऐसे, तो बोले ऐसे आसन लगाना, ऐसे बैठना, और शंकर जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, अपन लोगों को उनकी तपस्या करना, तो ठीक। और बोले 1 बजे रात तक जब ये ट्रेन निकलेगी तो यहाँ वो विसिल बजाती है राउंड पड़ता, तो अपन लोग खोलेंगे अपने अपने अनुभव बताएंगे और फिर सेकंड सेशन के लिए बैठेंगे। ऐसा हम लोगों ने तय किया। अब हम लोग बैठे तो कुछ 1-1.5 घंटे बैठने के बाद हमारे कुछ बदन पे चीटी सी आने लगी, तो हमको ख्याल आया कि हमने पढ़ा था कहीं कि भगवान दर्शन देने के पहले कोई परीक्षा लेते हैं। तो मैं अकड़ के बैठ गया और मैंने कहा कि शंकर जी का क्या करें, तो मैंने बदल करके और आसन बदल करके और फिर से जोर जोर से शंकर जी का भजन करने लगा। 1 बजे जब रात का, तो उस लड़के ने कहा कि आप आँख खोलिए, बताया। अब अपने अपने बताया, मैंने कहा देखो मेरा तो सारा परीक्षा ले ली है भगवान ने, ये चीटी वीटी सब चढ़ गई है, काट लिया इन्हें, हम अकड़ के बैठे रहे भजन करते रहे। तो बोले कि हम लोग तो बजरंग बली का करते रहे, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। हमने कहा शुरू से तय था, तो बोले हम लोग भी अब शंकर जी का करें। दूसरी शिफ्ट में जब हम लोग सेकंड राउंड में बैठे, तो सेकंड राउंड में क्या हुआ कि जो तीसरा लड़का था उसको खूब जोर से वॉमिट हुई, उल्टी की उसने, और वो मेरे सारे मुंह पे आ गई। सामने आमने बैठे थे सब लोग, तो और वो बोला मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा और यहाँ से चलो, और वो उछलने लगा। तो उस लड़के ने आँख खोली जो दूसरा था राजकुमार दुबे, फिर मुझे भी उन्होंने ऐसा हिलाया डुलाया, तो मैं उठा तो बोले नहीं मैं, मुझको पेट में बहुत दर्द है। और हम लोग वहां से चल लिए। 1 बजे रहा, 1-1.5 बजे रहा था रात का, जंगली जानवर चारों तरफ आवाज आ रही थी,
अब बोले कहाँ कि हमने कहा आप उन लोग तो भूल जाएंगे, कहाँ रास्ता मालूम नहीं है, तो आ गए यहाँ चल कैसे पाएंगे। तो हम लोग चलते गए तो एक नदी छोटी सी पड़ती थी, तो उस लड़के को हम लोगों ने उसका सर हमने अपने कंधे पर रखा, पैर उसके पर, उस नदी को पार किया उतने अंधेरे में, और नदी के पार हो गए तो हमें एक रोशनी दिखाई दी एक जगह, और उस का लक्ष्य हम लोग गए। वो हमारे यहाँ नौकरी करता था, जो आदमी का वो घर था, तो हमारी खेती वेती देखता था। तो जब हम गए तो उसने कहा ये कौन लोग आ गए, तो उसने जैसे ही हमें देखा बोले भैया जी आप, हमने कहा तो बोले आप कहाँ से आ रहे हैं, वहां गांव में तो सब ये पता लग गया कि आप लोग को कोई किडनैप कर लिया, कोई पकड़ हो गई है, और सब परेशान हम वहां। तो मैंने कहा कि तू बैलगाड़ी जोत और हमको गांव घर ले चल। उसे वो हमें घर ले गया, तो हम पीछे के दरवाजे से, हमारे बहुत बड़ी बड़ा मकान था, तो पीछे के दरवाजे से मैं घुस घुस करके और सीधे माँ के उसमें लेट गया गोदी में। तो वो बोली कहाँ थे कहाँ थे, उनकी कहीं नहीं था। मैंने माँ को बताया, इनका मुँह मुझसे कोई नाराज नहीं हो, ये है वो है, सब माँ को खूब रोया मैं। और उन लोगों की उन लोग वो लोग अपने अपने घर चले गए, और इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड शुरू हुआ। हमारी माँ बहुत धार्मिक परिवार की, और वो गीले कपड़े पहन करके सबकी आरती किया करती थी, जब सूखे कपड़े पहनती थी, तो उनका प्रभाव हम पर पड़ा। जब हम 7वीं 8वीं में पहुंचे तो हमारे ग्रैंडफादर ने एक नियम बना दिया कि जब आप 5 दोहे पढ़ोगे रामायण के तब आपको रात का भोजन मिलेगा, और मैं बैठ के सुनूंगा। वो चौपाई और 5 दोहे के बीच में जो चौपाइयां होती वो, और उनका अर्थ, तो हमें अपने ग्रैंडफादर को बताना पड़ता था ये सब, फिर हम लोग खाना खाते थे। इस तरह से हमारा एक जीवन चलता रहा, और हम काफी उसमें पाले गए, बहुत हमको सुविधाएं दी गई। अगर सही कहा जाए तो मैंने 9th क्लास तक सब्जी रोटी नहीं खाया, हमको केवल घी गुड़ और रोटी दी जाती थी, और अगर उसके बाद भी भूख लगती थी तो दूध पिलाया जाता था। ऐसे हमारा जीवन चला। हम जब 10th में पढ़ते थे, 10th पास किया, तो हमारे गांव से 5-6 लोग बाबा का दर्शन गए। ये ईयर था 1962, ईस्ट वेस्ट गैदरिंग। उसमें हमारे गुरु जी थे श्री शंभू दयाल जी पुरोहित, जो अभी हैं 94 या 96 के हैं। तो हमने कहा कि आप हमें मेहर बाबा के बारे में बताइए, आप जो दर्शन करके आए, वो 1962 का दर्शन करके आ चुके थे। और श्री शालग्राम जी शर्मा, ये हमारे दूर के कुटुंब के चाचा लगते थे। तो मैंने उनसे अपने, हम उनको शंभू मां साहब बोलते थे, तो हमने कहा मां साहब आप हमें बताइए, हम आपके कपड़े धो देते हैं। अरे बोले नहीं, तुम लोग जमींदार लोग हो, कोई देख लेगा तो क्या करेगा, और मैं तो कपड़े धोऊंगा। मैंने कि नहीं, मैं साबुन लगाता, आप हमें मेहर बाबा के बारे में बताइए। उन्होंने हमें बताया। मेहर बाबा के सुनने के बाद हमें ये लगा कि अब देखते हैं कब आता है मौका। बोले बाबा दर्शन की डेट देते हैं, जब डेट होती तब जाना पड़ता है। हमने कहा ठीक है। 65 आया, हम 11th में पहुंच गए। 65 में क्या हुआ कि हमने फिर माँ साहब से कहा कि आप हमें मेहर बाबा के बारे में बताइए, और उन्होंने एक दिन पहले बताया, और दूसरे दिन श्री शालग्राम शर्मा जी के यहाँ से हमारे यहाँ बुलावा आया कि हम मेहर बाबा के कुछ प्रेमी आए हुए हैं, वो बाबा के बारे में बताएं। लेकिन हमको तो रात में जाने की कहीं परमिशन थी नहीं, तो हमारे ग्रैंडफादर का एक थे मोहल्ले के, वो हमारे ग्रैंडफादर को खुश रखे रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक बीड़ी का बंडल और एक माचिस दूंगा, तुम हमारे ग्रैंडफादर से परमिशन दिलाओगे हम उस कार्यक्रम में जा सके। बोले वो तो मुझे चलना पड़ेगा। मैंने कहा वो आप जाना। उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर को तैयार किया कि जाने दो, हम टॉर्च लेके जाएंगे, भैया को साथ ले आएंगे, और वो जब तक वहां बैठेंगे मैं बाहर बैठा रहूंगा। और वो आदमी हमें टॉर्च लेकर के गया, हमने उसे एक बीड़ी बंडल का दे दिया, माचिस।
वो तो बाहर बैठ के बीड़ी पीते रहे, हमने चर्चा वहां सुनी। तो वो एक बहुत बड़ा हॉल सा था जिसमें मीटिंग थी, उसमें आए थे बाबू राम प्रसाद, केशव नारायण निगम, परमेश्वर दयाल तुकाम, श्री शालिग्राम जी शर्मा और राम सहाय यादव। ये लोग हमें अच्छे, क्योंकि बाद में इन लोग के हम काफी क्लोज रहे। तो सबसे पहले केशव नारायण निगम ने अपना परिचय दिया और बाबा के बारे में हम लोग को बताया। तो हम उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि हमने उसी स्थान पर बैठ करके प्रतिज्ञा कर ली कि हम बाबा का दर्शन करने जरूर जाएंगे, ऐसा हमने वहां तय कर दिया। वो ये बात जब हम रात में आए अपने घर पर, अपनी माँ को बता दी, बाबा की डेट आई कि 1 मई से 5 मई तक बाबा का दर्शन है 1965 में। उसी समय क्या हुआ कि चूंकि हमारी ग्रैंड फादर की मदर लाइफ जिंदा थी, उन्हें हमारी शादी देखना थी, तो बहुत बोली इसकी तो शादी अभी जल्दी करना है, ये है बहुत गोना, बाद में कर लेंगे 3 साल बाद, और हमारी शादी तय हो गई। और शादी की डेट निकली मई में। इधर हमारे मामा जी श्रीमद् भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान, उन्हें लोग बड़े इज्जत से ले जाते थे, शास्त्री पास थे वो बनारस से, उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर का दिमाग खराब कर दिया कि अभी कहाँ अवतार हो, किसके चक्कर में पड़ गया है ये, और भी ये अभी शादी करना है इसकी। तो ग्रैंडफादर अगेंस्ट वैसे ही थे, और ज्यादा अगेंस्ट हो गए। अब हमको मुश्किल ये हो गई कि हम ना जा पाएंगे। तो एक दिन हम अपने माँ साहब के यहाँ गए, वो राजकुमार को लेकर के जो हमारे साथ तपस्या करने गया था। हमने माँ साहब को समझाया कि आप हारमोनियम बजाते, भजन गाते, क्यों ना हम पुणे पैदल चले। बोले 1000 किलोमीटर है यहाँ से। हम कि वो आप जानो, 1 महीना पहले से चलेंगे, हारमोनियम आप ले लीजिए, वो उसको हम ले लेंगे, चलेंगे मांगते खाते पीते। हम कि जब भगवान है, भगवान के यहाँ जाना है तो इसमें क्या बुराई है। तो उन्होंने हमारी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। अम्मा हमको समझाने लगी कि मत जा, शादी होना है, ये है वो है, वो लोग डाउरी वगैरह ज्यादा देने वाले थे। लेकिन हमने कहा मैं तो जाऊंगा। इस तरह से रोज मुश्किल होती थी, रोज हमें रोना आता था। उसी रोने में मैंने एक दिन श्री केशव नारायण निगम को एक चिट्ठी लिख ली। उनका पता हमने ले लिया था, तो पता भी क्या था, नारायण प्रेस समीपो केशव नारायण ने। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसी मुश्किल आ रही है, आप बताएंगे क्या करें, बाबा का दर्शन करना है। हमने सारी बात लिख दी कि शादी तय हो गई, यहाँ यहाँ है, ऐसे हमें शादी से भी कोई लेना देना नहीं, और घर के लोग सब अगेंस्ट हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, केवल माँ हमारे फेवर में है। अभी चिट्ठी लिखी, हमारा हैंड राइटिंग बहुत खराब। केशव नारायण निगम ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ करके एक लिफाफे में रख के भेजा कि प्रिय गौरी, तुम क्या चाहते हो हमसे, क्या क्या हमारा सलाह चाहिए, हम ये नहीं समझ पा रहे, तुमने इतना गंभीर राइटिंग में लिखा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इसी मैटर को पुनः लिख साफ अक्षरों में लिख के भेजो। जब तक टाइम आ गया, अप्रैल का महीना आ गया, तैयारी होने लगी सबकी, वो इतनी देर में उस समय डाक आ गई हमारे पास 15 दिन बाद। अब वो लेटर बेकार हो गया केशव नारायण निगम का। फिर केशव नारायण निगम ने एक संदेशा भिजवाया, जो आदमी शायद प्रहलाद जी के पिताजी थे, हीरालाल जी नौरंगा, वो आए हमारे घर। वो बोले बाबूजी ने कहा है कि तुम पर बाबा की नजर है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी, मैं निश्चिंत हो गया। अब पैसे नहीं हमारे पास कि कैसे जाए, बस का रिजर्वेशन का पैसा जमा करना था एक निश्चित तारीख पर। तो हमारी मानक चोरी से कहा कि ये ऑर्नामेंट्स हैं हमारे जेवर हैं, इनको तुम ले जाओ और माँ साहब को दे दो, वो तुम्हें पैसा दे देंगे, तो तुम चले जाना, लेकिन परेशान मत हो ना, पैदल जाना। मैंने कहा ठीक है सर। मैं ऑर्नामेंट्स लेकर के माँ साहब के पास गया। जैसे ही माँ साहब ने हमको देखा, बोली अरे कहाँ से लाए, समझी माँ से, बोले चोरी करके पाए, हम कर नहीं माने दिए। तो वो वैसे ही ऑर्नामेंट्स हमको साथ लेकर के हमारी माँ के पास आए, बोले तुमने दिए हैं। तो माँ ने कहा हाँ। तो बोले रखो, तुम लोग इतने बड़े लोग हो और तुम्हारे पैसे का क्या है, मैं दे दूंगा इसके पैसे, अगर कोई नहीं देगा, पैसे तो तुम्हारे घर से मिल ही आएंगे,
ये देता रहेगा हमारे। तो उन्होंने वो सारे ऑर्नामेंट्स हमारी माँ को वापस कर दिए। वापस जब किए तो हमें फिर चिंता होने लगी। तो माँ के पास शायद 100 रुपए इकट्ठा थे, बोली ये तो दे अम्मा साहब को, तो मैं दे आया। माँ साहब ने हमें वो भी वापस कर दी। मैंने बोले तुम्हारी सीट बुक करा दी हमने। अब वो जो राजकुमार लड़का था जो हमारे साथ तपस्या करने गया, वो बोला मैं भी चलता हूँ। वो भी पैसे वाले लोग, तो उनके घर वालों ने दे दिए पैसे, उसने भी जमा कर दिए। और एक हमारी कजिन सिस्टर थी शकुंतला शर्मा, आप शायद सब लोग जानते होंगे, झांसी में रहती हैं। वो बोली भैया मुझे भी चलना है, तो वो भी तैयार हो गई। इस प्रकार से हम लोग 28 अप्रैल को गए और 29-30 को हम लोग अजंता एलोरा घूमे। अब उस जो राजकुमार दुबे था हमारे साथ लड़का, उसको ओंठ में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और वो न पानी पी सकता था। रुई से हम लोग उसको पानी पिलाते थे, अपने ओंठ उसके वो हो गए फोड़े से दोनों तरफ। तो हम लोग महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के पूना में जाकर के हॉस्टल में रुके। अब हम उस समय हमारी ड्रेस होती थी हाफ पैंट या एक लंगलाट, एक कपड़ा आता था कड़क सूती कपड़ा, उसका पजामा, वो हमारे पास ड्रेस थी, पैंट तो था ही। हम माँ साहब की उंगली पकड़ के दर्शन के लिए गए। तो माँ साहब ने हमसे कहा कि पहले 1 मई को मेहर बाबा पूना के सेंटर में आ रहे हैं, वहां दर्शन देंगे। तो हम कहा चले तुम अब आई से, तो 8 बजे से 11 बजे तक था। हम लोग 7:30 बजे तैयार हो गए, वहां पहुंच गए। जैसे ही बाबा आए तो हमने फर्स्ट टाइम बाबा को समय देखा 1 मई 1965 को, जो उस पूना सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि बाद में सुनने में आया कि वो द्वारा उद्घाटन था। तो हमने बाबा को देखा तो हम एक तक देखते रहे। अब वहां क्या था कि सबके शूज पड़े थे, जहां हमको पीछे खड़े होने को जगह मिली, तो हम उन पर धूप आ रही थी तो सबके शूज छाया में रखने लगे और बाबा को देखते जाए। तो एक फॉरनर आया, उसने हमें ऐसे उठा लिया और पता नहीं क्या कहा, मुझे तो याद नहीं है। और फिर हमें वो पकड़ के ले गया कि बाबा के पास तक वहाँ, और फिर हमने पास से दर्शन किया। 11 बजे हम लोग चले आए। फिर 2 से 5 दर्शन था, ऐसे 2 शिफ्ट में बाबा का दर्शन था। दूसरे दिन भी हमको 2 को भी दर्शन नहीं मिला। अब हम गुरु प्रसाद में जब जाते थे माँ साहब का हाथ पकड़ करके, तो एक 4 आने का हार खरीदते थे कि बाबा को आज पहनाने को मिलेगा। तो जब बाबा का स्पर्श नहीं हो पाता था हमको, न पहली को न दूसरी को, तो वो हार हम वहाँ एक गुरु प्रसाद में नल लगा था, उसको उस पर पहना देते थे। एक दिन मैं 2 तारीख को रोने लगा कि हम हार खरीदते हैं, बाबा का स्पर्श ही नहीं मिल रहा है। तो वो बोले मिलेगा। 3 मई को अनाउंस हुआ कि 3 मई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिंदी वालों को दर्शन होगा। तो हम लोग गए। तो जैसे गए तो हमारी माँ ने कांच की बोतल में पानी दिया था और रोली दी थी कि ये बाबा के पैर धुला करके तू रोली लगाया ना, ये पैर पानी उनके चरणों का लेके आना, बस इतना काम कर लेना। मैंने कहा ठीक। हम वो ले गए। जब ले गए तो बाबा के सामने केशव नारायण निगम ने हमारा परिचय दिया, पूरा नाम बताया, गौरी शंकर दुबे है ये। और चूंकि हमने वो चिट्ठी में सब कुछ उनको लिख रख दिया था कि शादी है, तो बाबा इशारे से कहते हैं कि तेज तू तो आज घोड़े पे बैठता, बैंड बजता, यहाँ कहाँ आ गया। तो हम कहा बाबा जहाँ होना चाहिए था वहां आ गया। फिर हमने केशव बाबू को प्रार्थना की कि हमारी माँ ने इस शर्त पे भेजा कि बाबा के पैर धो करके, तो केशव बाबू बोले इतना टाइम ही नहीं है, जाओ जाओ। हम रोने लगे वहीं पर। ईरज भाई वहीं खड़े थे, लेकिन याद तो नहीं मुझे धुंधला उनका के शायद होंगे, क्योंकि हम तो इन्हीं लोगों को जानते थे। बाबा ने कहा इसको बुलाओ। तो हम जब लाइन में जाके दर्शन करके जाने लगे तो फिर बाबा ने बुलाया, तो वो उससे पूछो क्या चाहता है। तो हमने कहा ये चाहते हैं। बाबा ने परमिशन दे दी, हमने बाबा के पैर धोए और वो चरणा में जितना ले सके इतना लिया और रोली लगाई। बाबा ने कहा हमसे कि इससे कहो कि अपने दोनों हाथ पीछे बांध करके 7 बार अपना सर हमारे चरणों में रखे।
हमने वैसा किया और हम चले आए, हमको कोई बोले। अब हम आकर के बहुत खुश के आज बाबा का दर्शन हो गया, बाबा का स्वरूप देखा, बाबा का हर हर पैर से लेकर के सर तक हमने सब देखा अच्छे से। अब 4 मई को क्या हुआ कि एक स्पेशल दर्शन बाबा देने वाले थे, कोई शॉर्ट टाइम में 1-2 घंटे का। तो शालिग्राम जी शर्मा हमको ढूंढ रहे थे और मैं सो गया था, तो मैं चदरा ओढ़े सो रहा था, तो उनका पैर हमारे पैर में लगाओ, हमारा चेहरा निकल आया। अरे वो गोली, तुम क्या यहाँ सो रहे हो, चलो वहाँ बाबा का स्पेशल दर्शन है। तो हम कपड़े बदलने बोलने, तो मैं बनियान चड्डी पहने ही चला गया। फिर बाबा के पास हमें कुछ बैठने का मौका मिला। तो इस प्रकार से हमने बाबा का जो दर्शन है वो बहुत मुश्किल से कर पाया, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर वगैरह सब अगेंस्ट रहे। जब बाबा का दर्शन करके आए तो हम लोगों को बड़ा जोश था, जगह जगह बाबा के प्रोग्राम करना, लड़कों को ले जाना और मासा वो बजाते थे हारमोनियम पर भजन करना। लेकिन एक नियम हम लोगों ने बनाया था कि उस समय सब कुछ और कुछ नहीं किताब छप चुकी चुकी थी नाटक के रूप में, तो उसमें बुद्धूमल चौधरी जी ये हम माँ साहब से 1 घंटा इसका पठन करते थे और फिर खत्म हो जाती थी तो फिर करते थे। और उन वो बुद्धूमल प्रश्न पूछता था उसमें, तो वो हम लोग रोज करते थे। हमारा एक फार्म हाउस था, उस पर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा था, उसके नीचे चबूतरा था, हमारे ग्रैंडफादर ने बनवाया, वहां बैठ के हम लोग करते थे। उससे हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर बाबा का एक सर्कुलर आया कि सबको ध्यान करना है, बाबा का जप करना है, इसे 68 की बात है। तो हम लोग जप करते थे। एक जप में क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारा शरीर इतना बड़ा हो रहा होगा, हम आकाश छू रहे हो, और मैं आंख खोल के घबरा के उठ गया। मैंने फिर केशव बाबू को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने माता को बताया, बोले केशव बाबू को चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम बैठ ही नहीं पाते हैं। बोले अभी तुम ध्यान भंग कर दो, वो कुछ नहीं, वो खत्म हो गई बात, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। इस प्रकार से हमने जब से फिर बाबा का दर्शन किया तब से फिर और कहीं ना मैं गया ना मैंने कहीं देखा। लेकिन हमारी माँ पे क्या प्रभाव पड़ा वहां से आने के बाद कि दशहरा से दिवाली के बीच में उसमें खेती बेटी का टाइम रहता है खेतों में, तो हमारी माँ वो 1 महीने नहाने जाया करती थी तालाब, वो सब लोग जाते थे पूजा करते थे। हमने एक दिन माँ से कहा, माँ ने हमें चिट्ठी लिखी, हम स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ 12th में एडमिशन हो गया था हमारा, तो के वो माँ ने हमें चिट्ठी लिखी कि तुम कुछ उपास का कुछ सामान हमारे लिए भेजो। और उन्होंने कहा हम लिस्ट लिख दी। तो हमने कहा उपवास का सामान तो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जब घर से निकलते हो तो एक दूसरे की आलोचना करते, बुराई करते रहते, वहाँ जाते हो, वहाँ भजन गाते हो, वहाँ के बाद फिर आलोचना शुरू कर देते हो, तो ऐसी चिट्ठी लिखी कि इससे अच्छा हमारी ये राय है, चूंकि आप माँ हो, कि आप बाबा का 1 महीने का मौन क्यों नहीं रखते। माँ को ये बात जम गई और वो जब से लेकर आखिरी तक जब तक जिंदा रही मौन रखती रही और सब घर का काम भी करती रही। फिर हमने भी 8-8 दिन का उस समय मौन रखा माँ के साथ। इस प्रकार से हमारा टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। फिर एक कार्यक्रम हुआ झांसी के पास, चिरगांव के पास कोई जगह है, उसमें मधुसूदन वगैरह ये लोग सब आए थे। स्पीकर का तो शायद हमारे ख्याल से सरदार अमर सिंह सहगल आए थे बिलासपुर से, जहां तक मुझे याद है। तो मधुसूदन और हम एक अलग अलग रूम में आमने सामने रुके थे। मधुसूदन ने हमें बुलाया, बोले क्या नाम तुम्हारा, तुम बोले बहुत एक्टिव हो, बहुत काम करते हो। तो मैंने कहा हाँ, तो उनकी बाबा का काम है इसलिए करता हूँ मैं। तो बोले अच्छा, बोले तुम्हारा एग्जाम लेंगे। मैं डर गया, मैंने पता नहीं है क्या पूछेंगे हमसे, कुछ ऐसा ना पूछ ले। तो वो हमको अपने रूम में उन्होंने बुलाया और कुछ खाने को दिया मीठा मीठा। तो बोले ये तुम तबला, उसने उन्होंने एक तबले पे कुछ बजाया, बोले ऐसा बजा के दिखाओ, मैं भूल गया। फिर हारमोनियम के कुछ स्वर बताए,
इस पे कुछ रख के बताओ, मैं वो भी भूल गया। तो बोले तुम संगीतज्ञ नहीं हो सकते हो, स्पीकर बनोगे। उन्होंने हमको ब्लेसिंग दिया। तो हमने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है, हम तो अभी स्टेज पे ही नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। बोले वो कुछ भी हो, लेकिन तुम बोलना बोल सकते हो बाबा के प्रेमियों में, ऐसा उन्होंने उस समय हमें कहा। हमको वो बात याद, मतलब ऐसे भूल गई या कुछ हुई। एक फंक्शन हुआ, उसमें हमें पहली बार संचालन करने का मौका मिला जगह, तो उसमें फिर मधुसूदन आए, डॉक्टर भरूच आए, डॉक्टर जी एस एन मूर्ति आए। तो हमने इतने एक्यूरेट ढंग से प्लानिंग बनाई, कौन कितने मिनट किसको बोलना है, इसके बाद क्या भजन होगा सब। तो मधुसूदन ने कहा कि एक शब्द ऐसा कहा, वो बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, कि इतना मीठा बोलने वाला मैंने पहली बार सुना। वो ऐसे कंधे पर उठा लिया और बोले संचालन तो तुम ठीक करते हो, लेकिन बोलना भी सीखो और पहले ऐसे ऐसे तैयार करो। तो मधुसूदन का हमारी लाइफ में काफी कंट्रीब्यूशन रहा कि बोला कैसे जाए, कैसे वो बनाया जाए। इस प्रकार से हम बाबा के कांटेक्ट में आए और हैं, और आखिरी सांस तक बाबा के अलावा हमारी लाइफ में कोई नहीं रहेगा। और 100% प्रयास करते हैं कि बाबा का नाम ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, उनकी याद ज्यादा से ज्यादा की जाए। हम सब बाबा प्रेमियों से, जो भी जहाँ हजारों लोग सुनेंगे, एक ही प्रार्थना करते हैं कि एक बार बाबा का नाम 24 घंटे में ऐसा उच्चारण करो कि तुमको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमने आज बाबा को याद की। उसमें कोई जरूरत नहीं है कैसे आप ले रहे, कब ले रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। जितने भी हम भौतिक जगत में उपलब्धियां पाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए सब बाबा प्रेमी। हमें तो एक सुभद्रा जी एक भजन गाती थी, वो हमेशा याद रहता है। ऐसा कोई महान नहीं जिंदगी में काम, लेना मेहर का नाम, मीठा मेहर का नाम। इस प्रकार से हमारी लाइफ बाबा के लिए अब समर्पित है, और उन्हीं के लिए हम सोचते हैं कि जीते रहे और आखिरी सांस जब निकले तो उनका नाम हमारे मुंह से निकले, यही हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। ये हमारे संकल्प भैया ने आप लोगों को सुनने के लिए दिया है, तो मैं तो अकेला संकल्प को सुना रहा हूँ, उनके द्वारा कितने लोग सुनेंगे मुझे पता नहीं। ऐसी तरह का प्रयास वर्धा के प्रेमियों ने किया है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और किसी को भी अगर इससे कोई भी प्रकार की प्रेरणा मिलती है, तो वो सब बाबा को समर्पित। अवतार मेहर बाबा की जय।